इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 5 जो यहाँ पे रहेगी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ चला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी जो कि डी फार्मा सेकेंडर का है। इसके अंदर हम सिलेबस देखें तो हमारी यूनिट 4 है इसको पहले हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे यूनिट 5। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे कन्फ्यूजन रह सकती है कि सर यहाँ पे यूनिट 4 है या 5 है। तो अगर हम यहाँ पे आपका सिलेबस देखें तो उसके अकॉर्डिंग है ये जो है आपकी यूनिट 4 है, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रिंट कराया आपका सिलेबस इसमें ही यूनिट 5 दी हुई है। तो आप चाहें तो इसको यूनिट 4 समझ लें 5 समझ लें, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। आप यहाँ पे सिलेबस देखें यूनिट का नाम आगे पीछे होने से कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज हम देखने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना इतना पोर्शन। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन हमारा क्या होता है, साथ में इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ मेथड्स जिनके थ्रू क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो चलिए इसको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये जो आपकी यूनिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो एग्जाम आएगा तो एग्जाम में आपके इस यूनिट के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज रहेंगे। आप चाहें तो लॉन्ग में पूछे जाएँ या चाहें आपसे वो शॉर्ट में पूछे जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ ड्रग्स फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन हॉस्पिटल टू दी पेशेंट बिसाइड। अब देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे कि सपोज कीजिए आप क्या हैं, आप एक पेशेंट हैं। आप पेशेंट आप सीधा कहाँ पर गए, एक हॉस्पिटल के अंदर गए। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो आप सीधा किससे मिलते हैं, जो डॉक्टर होता है आप उससे मिलते हैं फिजिशियन वगैरह से। और डॉक्टर क्या करता है, अभी देखता है आपको जैसे सर दर्द है फीवर है तो पहले वो आपको देखेगा जाँच करेगा ठीक है इतना है। उसके बाद क्या होता है आपकी बीमारी से रिलेटेड वो आपके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको दे देता है। भाई फिजिशियन ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेकर कहाँ पर जाते हैं, आप हॉस्पिटल फार्मेसी पर जाते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी वो प्रिस्क्रिप्शन आप किसको देते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को देते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होता है, आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेता है और उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ आपको दे देता है। अब वो जो फार्मासिस्ट आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेके वो दवाइयाँ आपको दे रहा है, आप कौन है, एक पेशेंट है। तो वो जो दवाई आपको दे रहा है उसी को हम कहते हैं यहाँ पे फिजिकल ट्रांसफर, किसका, ड्रग्स का, या उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आगे हम इसके टाइप्स देखने वाले जिसमें आपको और भी यहाँ पे टोटली क्लियर ये हो जाएगा। हम देख लेते हैं इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके मेनली 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड होता है आउट पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इन पेशेंट और आउट पेशेंट हमारे क्या होते हैं, तो इसको पहले हमें यहाँ पे समझना होगा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है मेनली इन्हीं को यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इनको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल से। अब देखिए आप ऐसे सपोज कीजिए कि 2 यहाँ पे फ्रेंड है, एक है यहाँ पे सोनू, दूसरा है यहाँ पे मोनू। अभी क्या है, दोनों दोस्त हैं। क्या हो रहा है, दोनों की तबीयत खराब है। अब एक तो ऐसा है जिसको यहाँ पे जो सोनू है उसको क्या हो रहा है, नॉर्मली सर में दर्द हो रहा है, सीधा उसको हेडेक हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। साथ में जो मोनू है इसको क्या हो रहा है, तेज फीवर हो रहा है। अब भाई फीवर हो रहा है तो फीवर ज़्यादा जैसे डेंगू मलेरिया कुछ भी यहाँ पे इसको हो गया। तो यहाँ तक प्रोसेस सेम है कि दो बंदे हैं, सीधा दोनों को बीमारी हो, सीधा कहाँ पर जा रहे हैं, ये हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी दोनों कहाँ पहुँच गए, हॉस्पिटल पहुँच गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये किससे मिलेंगे, भाई वहाँ पर जो डॉक्टर होता है फिजिशियन होता है ये उससे मिलेंगे। अभी डॉक्टर से वहाँ पे जाके मिले, अब जो पेन है तो सोनू क्या हो रहा है, अभी नॉर्मली पेन हो रहा है तो जो डॉक्टर है वहाँ पे सोनू के लिए 2 से 3 ने मेडिकेशन या एक मेडिकेशन दवाई उसके लिए लिख दी। तो यहाँ पे सोनू क्या करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेगा, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेगा, सीधा हॉस्पिटल फार्मेसी पर जाएगा, वहाँ से दवाई लेगा, अपने घर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मोनू है उसको फीवर हो रहा है तो डॉक्टर के पास सीधा जाएगा। डॉक्टर क्या होगा भाई, पहले उसकी जांच वगैरह कराएगा, जैसे भाई हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह उनका होता है कि फीवर है या नहीं है, या है तो डेंगू मलेरिया टाइफाइड क्या है। तो उसको फीवर है, सीधा पेशेंट क्या करेगा, जाँच कराने के बाद में भाई वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो सीधा जो मोनू है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा। एडमिट इसलिए किया जाएगा कि उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर किया जाएगा जब तक कि वहाँ पर वो अच्छे तरीके से सही ना हो जाए। तो पेशेंट और आउट पेशेंट में यहाँ पे क्या डिफरेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे सोनू है वो क्या किया, सीधा हॉस्पिटल गया, उनने अपनी दवाई ली और वहाँ से आ गया। तो सोनू क्या है, यहाँ पे आउट पेशेंट है। आउट पेशेंट का सीधा मतलब वहाँ पे वो आउट हो गया, दवाई ले गए, वहाँ पे एडमिट वो नहीं हुआ। साथ में मोनू जो है उसको फीवर है, डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जो भी है, सीधा वहाँ पे जो डॉक्टर है उसने क्या किया, उसकी जाँच कराई और उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया क्योंकि वहाँ पर उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारे यहाँ पे सोनू ये क्या है, आउट पेशेंट है, मोनू जो है ये क्या है, यहाँ पे इन पेशेंट है। तो ये जो हम अभी हमने आपको बताया ना इसको यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं।
अभी आपको हो सकता है अच्छे तरीके से क्लियर ना हुआ हो, इसके अंदर ये हो जाएगा। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इन पेशेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, हमारे जो इन पेशेंट होते हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पेशेंट आर दोज पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। इन पेशेंट हमारे वो पेशेंट होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट्स होती है हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइजेशन की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती होने की। गेट देम सेल्विस एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल स्टे देयर फॉर ट्रीटमेंट टिल दे आर डिस्चार्ज। और जो जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसको कब तक ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब जब तक उसको केयर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब तक कि वो सही ना हो जाए और वहाँ पे उसको डिस्चार्ज ना कर दिया जाए। तो ये होता है हमारे यहाँ पे इन पेशेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू इन पेशेंट। सीधा हम कह सकते हैं एक तो हमारे आउट पेशेंट जो बाहर आ गए सीधा, सेकेंड हम देख रहे हैं यहाँ पे इन पेशेंट जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, उनको फार्मेसी से दवाइयाँ के होते हैं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जहाँ पे वो एडमिट होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे टाइप्स है ये हम कह सकते हैं इनको मेथड्स। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको यही लिखनी है, साथ में टाइप्स पूछा जाए तो भी आपको यही लिखनी है। तो बेसिकली आप बस इतना समझिए जितने भी हमारे मेथड्स हैं इन सभी में क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी किसको, इन पेशेंट को। मेथड यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे क्योंकि डिफरेंट तरीके से दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। फर्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होता है, सेकेंड कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, थर्ड यहाँ पे यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में ड्रग बास्केट मेथड्स। अब चलिए डिटेल में इन सभी को यहाँ पे हम देख लेते हैं। जितनी हमारी मेथड है काफ़ी ज़्यादा आसान है, इससे इजी तरीके से इनको यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यहाँ पे इस हेडिंग को हम समझें तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, सीधा हम कह सकते हैं कोई इंडिविजुअल पेशेंट जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा जाता है किसके, डॉक्टर के द्वारा, जो एक ऑर्डर सिस्टम होता है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम। ये क्या होता है, एक टाइप का प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम होता है, मतलब उसका टाइप होता है। वेयर द पेशेंट राइट, जैसा आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं जो वहाँ पे फिजिशियन है वो क्या करता है, यहाँ पे राइट मतलब कि लिखता है एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल पेशेंट, जो पेशेंट होता है उसके लिए। वो ऑब्टेन द ड्रग फ्रॉम एनी मेडिकल स्टोर। अब जो यहाँ पे फिजिशियन क्या कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के लिए यहाँ पे दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है, ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो वो पेशेंट या उसके जो रिलेटिव्स हैं वो अदर क्या कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से उन दवाइयों को वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट में तो भाई क्या होता है सब दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं तो पेशेंट बाहर नहीं जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, अगर लग रहा है पेशेंट को कि यहाँ पे ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ दी जा रही हैं ज़्यादा महंगी लगाई जा रही हैं, तो इस कंडीशन में जो पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह उसके साथ जो गए हुए होते हैं वो बाहर से भी किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले सकते हैं और उसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर ला के उनको दे सकते हैं। तो हमारा ये होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होल्डर सिस्टम। इसके एडवांटेजेस हम देखें, इट प्रोवाइड द इंटरेक्शन यहाँ पे किसके बीच में, जो फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, नर्सिस होती हैं एंड दी पेशेंट। देखिए क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन, जो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन होल्डर सिस्टम होता है। जो डॉक्टर है इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा, उसके बाद फार्मासिस्ट से, फार्मासिस्ट के थ्रू क्या होता है हमारी जो दवाइयाँ होती हैं इनको दोबारा से चेक किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में जो नर्सिस होती हैं ये क्या करती हैं पेशेंट को दवाई देती हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाता है। साथ में ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। जितनी हमारी मेडिकेशन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो क्या होता है, फार्मासिस्ट के थ्रू वहाँ पे रिव्यूड मतलब कि देखी जाती हैं वो दवाइयाँ सही हैं या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आप बाहर से दवाई ला रहे हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया लेकिन कुछ ऐसी फार्मेसी पर आप पहुँच गए, ऐसे मेडिकल स्टोर पर जहाँ पे वो पढ़ा लिखा थोड़ा सा कम है, मतलब कि चेला चपाटा वहाँ पर रख रखा है, उस तरीके से दवाइयाँ गलत आ गई, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें ना हो इसके लिए देखा जाता है। डिसएडवांटेज हम देखें, इंक्रीज इन द कॉस्ट टू द पेशेंट। देखिए क्या होता है, बाहर से आप दवाई लेने जा रहे हैं, आपको महंगी दवाइयाँ बाहर से लगा दी, उसके बाद में क्या हो सकता है जो पेशेंट की कॉस्ट मतलब दवाइयों की कॉस्ट है वहाँ पे वो इंक्रीज हो सकती है। मे बी डिले इन ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड ड्रग्स, जैसे कि आपको एक टाइम पे जो डॉक्टर है उसने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस टाइम आपको दोपहर की डोज देनी, सुबह की, शाम की, लेकिन आप बाहर से लेने जा रहे हैं, आसपास में दवाई नहीं मिल रही, आप दूर पहुंच गए, वो टाइम के अकॉर्डिंग दवाइयाँ वहाँ पे नहीं आ पाई उसके पास, तो क्या होता है दवाई लेने में, डोज लेने में वहाँ पे मतलब देरी भी हो सकती है एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हमारी मेथड यहाँ पे हो गई, सेकेंड हम देख लेते हैं यहाँ पे कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। नाम से भी हमें यहाँ पता चला है, जैसे क्या होते हैं हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनमें क्या होता है काफ़ी सारे फ्लोर होते हैं, मेनली जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें फ्लोर के हिसाब से भी क्या होता है ना, वहाँ पे छोटी छोटी फार्मेसीज बना दी जाती हैं जिससे पेशेंट को दवाई देने के लिए जो नर्सिस वगैरह होती हैं उनको ज़्यादा
नीचे ऊपर ना जाना पड़े। तो क्या होता है, हर फ्लोर पर छोटी छोटी फार्मेसी बना दी जाती है और वहीं से हमारे जो इन पेशेंट होते हैं फ्लोर के हिसाब से उनको दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसका नियम देख लेते हैं। ड्रग्स आर स्टोर्ड एट द नर्सिंग स्टेशन एंड आर एडमिनिस्टर्ड बाई ए नर्स अकॉर्डिंग टू द चार्ट होल्डर ऑफ द पेशेंट। तो क्या होता है, आप ऐसे समझिए जैसे कि एक फ्लोर पे कुछ हमारे इन पेशेंट क्या हैं, एडमिटेड हैं। तो वो जो पेशेंट हैं उनके लिए क्या होता है, जो फार्मास जो फिजिशियन होते हैं जो उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जो एक तरह से ट्रीटमेंट तो उनका वही देखते हैं, सिर्फ दवाइयाँ नर्सेज वगैरह देती हैं। तो जो एक ओल्डर होता है, एक चार्ट ओल्डर होता है किसका, जो फिजिशियन बना के देता है किसको, नर्सेज को, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो नर्सिंग स्टेशन पर ला के दवाइयाँ रख लेती हैं और पेशेंट को फिजिशियन के चार्ट के जो चार्ट ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेशेंट को वो दवाइयाँ देती है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर नोन एज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो भाई जो नर्सिंग स्टेशन पर दवाई हमारी स्टोर की जाती है, जो नर्सेज देती हैं पेशेंट को, उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। ऑल मेडिकेशंस नीडेड आर रेडली अवेलेबल। अब भाई क्या होता है, फार्मेसी क्या है कि हर फ्लोर पर पहले से अवेलेबल है, तो दवाइयाँ ऐसा नहीं कि आप तो हैं टॉप फ्लोर पर दवाई आपको लानी है बिल्कुल डाउन फ्लोर से, तो इस तरह की दिक्कत वहाँ पर नहीं होती, दवाइयाँ इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ड्रग रिटर्न टू फार्मेसी आर रिड्यूस्ड। साथ में क्या होता है, देखिए फ्लोर पे क्या कर रहे हैं, अभी फ्लोर के हिसाब से दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, तो नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे की जाती हैं, तो वो जो वापस आती है ना पेशेंट के पास से फार्मेसी पर दवाइयाँ, वो भी यहाँ पे कम हो जाती हैं। अब हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन एरर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मेडिकेशंस होती है ना उसकी एरर के चांसेस थोड़े से बढ़ने लगते हैं। इंक्रीज वर्कलोड ऑन नर्सेस। अब क्या होता है, फ्लोर के हिसाब से पहले से दवाई वहाँ पे अवेलेबल है, पेशेंट भी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो नर्सेज होती है उनके ऊपर जो काम होता है, वर्कलोड होता है, उसके इंक्रीज होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स में इंक्रीज। साथ में हमारी जो दवाइयाँ उनकी बर्बादी के चांसेस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हैं एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी थर्ड मेथड, या हम कह सकते हैं टाइप्स, ड्रग बास्केट मेथड। देखिए जैसे कि इसके नाम से हमें यहाँ पे पता चल रहा है, जो हमारी ड्रग होती है उनको बास्केट के अंदर रख के क्या होता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसको, इन पेशेंट को। चलिए देख लेते हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द नाइट ड्यूटी नर्सेस वेरीफाई द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन ऑल रूम्स एंड रेफ्रिजरेटर विद द हेल्प ऑफ मास्टर लिस्ट ऑफ फार्मेसी। देखिए यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं, जैसे हमारे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या हमारे कुछ छोटे लेवल के हॉस्पिटल्स भी होते हैं, तो उसमें जो दिन की ड्यूटी की नर्सेज होती हैं या हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं और नाइट ड्यूटी वाले हमारे अलग होते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हमारी नाइट ड्यूटी वाली नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे वेरीफाई करती हैं। वेरीफाई क्या चीज़ करती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो हमारी मेडिकेशंस होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है उसको वेरीफाई करती हैं। अब कहाँ पे करती हैं कि कितनी है, इन ऑल रूम्स, जितने हमारे रूम्स होते हैं उनके अंदर, साथ में रेफ्रिजरेटर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ मास्टर लिस्ट ऑफ फार्मेसी। तो ये जो हमारी नर्सेज होती है नाइट वाली, इनके पास क्या होते हैं, फार्मेसी की एक मास्टर लिस्ट होती है और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जितने हमारे रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे इन पेशेंट है वो हमारे एडमिट हैं, साथ में जैसे कुछ दवाई हमारे रेफ्रिजरेटर में भी रखी हुई होती हैं, तो सभी की अवेलेबिलिटी ये चेक कर लेते हैं कि पेशेंट के लिए दवाई हमारी इनफ है या नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में क्या है भाई, दवाई हमारी डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो वहाँ पर कम हो गई होंगी, तो यहाँ पर क्या होता है, दोबारा से इनको ये फिल करनी होती है। तो ये नाइट ड्यूटी नर्सेज क्या करती हैं, पहले वेरीफाई कर लेती हैं कितनी है कितनी नहीं है, उसके बाद जितनी हमारी कम होती हैं उसके लिए फिर ये क्या करती हैं, देन फिल डिमांड फॉर्म फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग टू फ्लोर्स। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो फ्लोर होता है उस पर दवाइयाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करनी होती हैं, क्योंकि जितनी कम है उनको तो यहाँ पे इनको पूरी करनी है, तो उसके हिसाब से जो एक फॉर्म होता है इसको फिल करती हैं कि इतनी दवाइयाँ हमें यहाँ पे इस फ्लोर पे चाहिए किस चीज़ के लिए, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्ट द ड्रग बास्केट इज सेंड टू फार्मेसी एंड फिल। पहले क्या करती है, हमारी जो नर्सेज होती हैं ये जो हमारी बास्केट होती है ये इसको सेंड कर देती हैं फार्मेसी पे, फार्मेसी में हमारी क्या होती है, दवाइयाँ होती हैं, तो उसके बाद जो बास्केट होती है उसको दवाइयों से फिल कर दिया जाता है। फिल ऐसे नहीं किया जाता है, एक फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि इतनी दवाइयाँ यहाँ पे नीड है ये चाहिए। द बास्केट इज डिलीवर्ड टू दी फ्लोर। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो फार्मेसी है वहाँ पे हमारी दवाइयाँ बास्केट के अंदर फिल कर दी गई हैं जितनी रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद हमारी जो बास्केट होती है इसको डिलीवर कर दिया जाता है फ्लोर पे, और जो दवाइयाँ रूम्स के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर कम होती है उनकी नीड को वहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी ड्रग बास्केट मेथड। इसके एडवांटेज हम देखें,
द रिक्वायर्ड ड्रग आर डिलीवर इजली एंड क्विकली। सीधा हमने क्या किया, अभी एक हमने फॉर्म बनाया, उस पर हमने लिख दिया कि इतनी दवाई हमें चाहिए। बास्केट गई सीधी हमारी फार्मेसी पे, वहाँ पे फार्मेसी पे दवाइयों को फिल कर देगा, उस बास्केट के अंदर सीधा फ्लोर पे आ गई, तो ईजिली हो जाती है और जल्दी से हमारी ये हो जाती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टाफ, जो एक तरह से सीधा लिस्ट बना दी गई है, तो सीधा बास्केट जाएगी भर के आ जाएगी, तो जो स्टाफ का नंबर होता है, संख्या होती है, वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ ड्रग रिटर्न टू दी फार्मेसी, जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से जो लिस्ट होती है, मतलब फॉर्म होता है, उसमें दवाइयाँ लिखी जाती हैं, उतनी वहाँ से लाई जाती हैं, तो जो रिटर्न जाती हैं वापस में, वो चीज़ यहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग में इंक्रीज दवाइयों की जो बर्बादी है वो यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, साथ ही में यहाँ पे देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ पिलफरेज, मतलब कि चोरी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे नर्सेज जो दवाइयाँ वगैरह चोरी करेंगे, इधर आधा से पेशेंट दवाइयाँ उठा रहा है, बास्केट में खूब सारी रखी हुई हैं एक रूम्स के अंदर, तो क्या होता है वहाँ पे दवाई की चोरी भी बढ़ जाती है एक्सेट्रा। तो हमारे यहाँ पे मेथड थर्ड थी, ड्रग बास्केट मेथड ये कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे फोर हम देख लेते हैं यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेसिकली हम इसको समझे तो जैसे कोई इन पेशेंट है, हमारा एक ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब वहाँ पे क्या होता है, हमारे जो फार्म जो फिजिशियन होते हैं वो सीधा प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि ये दवाइयाँ क्या करनी है पेशेंट को इस टाइम देनी है, और ये कौन देता है, जो नर्सेज होती हैं। अब क्या होता है ना, वहाँ पे उसको यूनिट डोज दी जाती है, मतलब कि टाइम टाइम, जैसे सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये डोज इसको सुबह में देनी है, शाम में देनी है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, यूनिट डोज यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं और उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और यहाँ पे हमारे जो नर्सेज होती है ये पेशेंट को देती हैं टाइम टू टाइम, जिससे कि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो इट इज डिफाइंड है, इसको डिफाइंड किया गया दोस मेडिकेशंस, हमारी वो मेडिकेशन जो यहाँ पे ऑर्डर की जाती हैं, पैक की जाती है, हैंडल की जाती है, एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, वो चार्ज की जाती है मल्टीपल्स ऑफ सिंगल, देखिए सिंगल डोज यूनिट, इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखें, सिंगल डोज यूनिट जो पेशेंट को दी जा रही है, जो एक तरह से कंटेन करती है ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग्स, मतलब कि पहले से क्या होता है, इसकी जो अमाउंट होती है यूनिट, जो सिंगल डोज है हमारी, कि ये इतनी होनी है, तो इसकी पहले से प्री डिटरमाइंड अमाउंट होती है जिसको यहाँ पे दिया जाता है। साथ में इस सिंगल यूनिट पैकेज, जो हमारी एक सिंगल डोज दी जा रही है, तो इस सिंगल यूनिट डोज पैकेज इज वन, ये क्या होता है, एक होता है जो कंटेन कर लेता है वन कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म, जैसे हमारे टेबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये होती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी, थोड़ी सी अटपटी है और मेथड के अकॉर्डिंग वो हमारी इजिली समझ में आ गई, ये थोड़ा सा समझने में आई थिंक आपको लग रहा होगा हार्ड है। साथ में एडवांटेजेस हम देख लेते हैं, बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल कैन बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी दवाइयाँ होती है ना, उनका बर्बादा नहीं होता है, सीधा यूनिट डोज बनाई जा रही है, पेशेंट को दी जा रही है, तो वहाँ पे बर्बादा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेस परफिलेस अकर्स, मतलब कि चोरी के चांसेस बिल्कुल ही यहाँ पे कम हो जाएंगे। स्टोरेज फैसिलिटी एट द नर्सिंग स्टेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, जो हमारे नर्सिंग स्टेशन होते हैं, यहाँ पे नर्सेज क्या करती हैं, दवाइयाँ ला कर रख लेती हैं, तो वहाँ पे हिसाब से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे बर्बादी वगैरह होने लगती है, स्टोरेज की दिक्कत आती है, वो यहाँ पे नहीं होता है, नीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाके रखी जाती है, डायरेक्टली क्या होता है फार्मेसी से लाके दे दी जाती है, रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले फ्रीक्वेंट ऑर्डरिंग, अब भी क्या होता है यूनिट डोज है, तो डोज के हिसाब से क्या होता है ऑर्डर दिया जाता है कि भाई अब ये डोज पेशेंट को सुबह में देनी है, शाम में देनी है, तो ऑर्डरिंग क्या होती है हिसाब से ज़्यादा होती है, तो नर्सेज वगैरह जो होती है उनके ऊपर वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाता है। साथ में टाइम कंज्यूमिंग क्या होता है, भाई एक डोज लेकर आनी है, देनी है पेशेंट को, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। इंक्रीज स्टाफ, स्टाफ इंक्रीज हो जाता है, साथ में कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है, ये होते हैं यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस। तो हम यहाँ पे अभी तक क्या देख रहे थे, हमारे जो इन पेशेंट होते हैं, वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मेथड्स, टाइप्स, सिस्टम हम देख रहे थे। इन मेथड्स में टाइप्स जो हमारे सिस्टम हमने देखे, कुछ भी आप कह लीजिए, कोई भी डाउट आपका रहे तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट, देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, सीधा आप ऐसे समझिए, आपको हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, कुल मिला के ऐसी बीमारी हो रही थी जो हल्की फुल्की थी, सीधा आप एक हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल में आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बना दिया, कुछ दवाइयाँ लिख दी, और वो दवाइयाँ आप सीधा फार्मेसी से आपने ली, फार्मासिस्ट से, और सीधा आप उनको लेके घर को आगे, क्योंकि वहाँ पर आपको इतनी बीमारी नहीं थी कि आप वहाँ पे एडमिट होते, तो होते हमारे आउट पेशेंट, और उनको जो दवाई हमारे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसी की यहाँ पे हम बात करें। तो आउट पेशेंट रेफर्स टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन ए हॉस्पिटल और इन क्लिनिक्स, तो आउट पेशेंट हमारे मतलब रेफर्स किए जाते हैं ऐसे, जैसे कि वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में सीधा जाते हैं और दवाई लेकर चले आते हैं, उनको किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर क्या होता है बेड्स की रिक्वायरमेंट
नहीं होती है। मेडिकेशन शुड बी इशूड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, जब आप हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं तो पहले आपको डॉक्टर से फिशियंट से मिलना पड़ेगा, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा, आपको जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग वो दवाइयाँ लिखेगा, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मेसी पे देंगे, जब भी आपको दवाइयाँ वहाँ से मिल सकती हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको दवाइयाँ इशूड नहीं की जाएंगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट। तो कुछ टाइप के यहाँ पे आउट पेशेंट हम देखेंगे। तो ये हमारे वो पेशेंट होंगे जो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, दवाइयाँ मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं और वहाँ से चले आते हैं, एडमिट नहीं होते। फर्स्ट होते हैं हमारे यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट। तो आपने पहले भी नाम सुना होगा, हमारे जो इमरजेंसी टाइप के पेशेंट होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। ए पर्सन गिवन इमरजेंसी और एक्सीडेंटल केयर फॉर कंडीशंस विच रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसा, जैसे किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया या किसी बंदे की अचानक से हालत बिगड़ गई, तो क्या होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल के अंदर आता है। अब इतना टाइम का होता नहीं है कि वहाँ पे फॉर्मेलिटी निभाई जाए, पेपर फिल किया जाए कि उसको एडमिट करना है, इतने में तो भी हो सकता है वो डेथ हो जाए उसकी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और उसको इमीडिएटली मतलब कि जल्दी से क्या होता है, हमारी जो मेडिकल अटेंशन होती है, जो ट्रीटमेंट होता है उसको वो दिया जाता है। सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ कंडीशन, अभी अगर वो एक सीरियस हेल्थ कंडीशन से मतलब वहाँ पे नहीं गुजर रहा होगा तो उसको हम इमरजेंसी पेशेंट ही नहीं कह सकते। तो इमरजेंसी पेशेंट सीधे हमारे वो होते हैं जिनकी हालत हिसाब से ज़्यादा ख़राब होती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल में अंदर आते हैं, उनको प्राइमरी केयर वहाँ पर दी जाती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, और उनको वहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एडमिट करके डिस्चार्ज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट करने के बाद उनको भेज दिया जाता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट। सेकंड आते हैं हमारे यहाँ पे जनरल आउट पेशेंट, जो हमारे जनरली होते हैं। जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी है, आप सीधा हॉस्पिटल के अंदर गए, वहाँ पे डॉक्टर साहब मिले, उसने आपके लिए दवाइयाँ लिख दी, आप फार्मेसी पाए, आपने दवाई ली और आप चले आए। तो ये होते हैं हमारे जनरल आउट पेशेंट। जैसे सच ए पेशेंट इज गिवन ट्रीटमेंट फॉर ए जनरल कंडीशन जैसे अदर देन इमरजेंसी कंडीशन। जैसे आपको हेडेक हो रहा है उसके लिए आप दवाई लेकर आए हॉस्पिटल से, आपको हल्का फुल्का फीवर हो रहा है सीधा वहाँ उसके लिए आप दवाई लेकर आए हॉस्पिटल से, तो आप जनरल आउट पेशेंट की कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमारा हो जाता है। थर्ड हमारा यहाँ पर होता है एम्बुलेटरी पेशेंट, मतलब कि सच ए पेशेंट कैन वर्क एम्बुलेटरी दस ही शी ऑब्टेन प्राइमरी केयर एंड देन लीव्स। तो ये इस तरह के हमारे पेशेंट होते हैं जो खुद हॉस्पिटल में चल के आते हैं और सीधा उनको जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड वो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर उनके लिए दवाइयाँ लिखता है और वहाँ से वो दवाइयाँ फार्मेसी से लेते हैं और सीधा अपने घर को लीव कर जाते हैं, मतलब कि चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखिए जैसे कि एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो आउट पेशेंट सर्विस दी जा रही है तो उसका डिपार्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए जो वहाँ पे अच्छा रहे, सुटेबल है, जिससे हॉस्पिटल में कोई दिक्कत ना हो और जो पेशेंट वहाँ पे आउट पेशेंट दवाई लेने जा रहा है उसको भी वहाँ पे धड़ाधड़ ना घूमना पड़े। तो कहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए, तो इट शुड बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल बिल्डिंग। जैसे एक बड़ा सा हॉस्पिटल है तो उसकी जो ग्राउंड बिल्डिंग होती है, जो फर्स्ट जैसे जहाँ से आप एंटर करें हॉस्पिटल के अंदर, तो वहीं पर क्या है वो आपका मतलब जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है वो होना चाहिए, जिससे कि आप सीधा दवाई नीचे से लें और आप चलें। ऐसे नहीं है टॉप फ्लोर पर आपने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बना रखा है, अब पेशेंट जो आ रहा है पहले तो वो ऊपर जाएगा वहाँ से दवाई लेगा, फिर नीचे आएगा फिर जाएगा, तो ऐसा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर ये होनी चाहिए। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, काफ़ी तरीके से इस चीज़ को देखा जाता है, कहीं कहीं पर क्या होता है एक कंबाइंड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट यूनिट विद सर्विस प्रोवाइड फ्रॉम सेपरेट विंडोज़। कहीं कहीं क्या होता है कि मतलब एक फार्मेसी ऐसी होती है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन वहाँ पे जो आउट पेशेंट और इन पेशेंट है, फार्मेसी हमारी एक है लेकिन क्या है वहाँ पे विंडोज़ चेंज है और वहाँ पे विंडोज़ के हिसाब से आउट पेशेंट सर्विस अलग दी जाती है, इन पेशेंट सर्विस अलग दी जाती है, सेपरेट आउट पेशेंट फार्मेसी। यह क्या होता है हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर एक ऐसी फार्मेसी होनी चाहिए जो सेपरेटली सिर्फ आउट पेशेंट के लिए वहाँ पर दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये होती है हमारी यहाँ पर लोकेशन। तो आई थिंक ये जितना अभी हमने आपको बताया, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था यहाँ पे हमारी जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये क्या होता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको एक बार और बता देते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे जिससे आपको कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है। सीधा हम कह सकते हैं आपको कुछ बीमारी, आप हॉस्पिटल के अंदर गए और वहाँ पे आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाया और आप वहाँ पे सीधा हॉस्पिटल फार्मेसी पर गए, आपने दवाइयाँ ली, तो अगर आप वो दवाई लेके वहाँ पे वहाँ से चले आते तो आप आउट पेशेंट है, मतलब कि आपको वहाँ पे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप वहाँ पे एडमिट हो गए तो आप आ जाएंगे इन पेशेंट की कैटेगरी में। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और दवाइयाँ आपको दी जा रही है वो होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको डायरेक्टली फार्मेसी से दवाइयाँ मिली हैं, आप दवाई लेके घर को चले आते हैं तो वहाँ पे भी दवाइयाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उसको हम कहते हैं
आउट पेशेंट। तो इन पेशेंट टाइप्स में इसके इन पेशेंट हमने देखा जो दवाइयाँ आपको दी जाती है जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो क्योंकि हमारा आउट पेशेंट कुछ हमारी मेथड्स होती हैं जिनके थ्रू दवाइयाँ आपको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हमने क्या देखा, हमने इतना पोर्शन आपका डिस्कस किया यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से लेके इसके जो मेथड्स होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICU, ICCU, ICU, NICU, इमरजेंसी वार्ड्स। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसके नोट्स चाहिए तो सीधा हमारी वेबसाइट पर ज्वाइन हो सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख लोगे हमारी वेबसाइट है, आप इस पर ज्वाइन होइए। बोथ लैंग्वेज इंग्लिश में और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल है जो आपको मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।